आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। फर्जी कागजात तैयार कराकर जमीन बिक्री कर धोखाधड़ी करने वाले चार आरोपियों को चापा पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों द्वारा जमीन बिक्री करने के नाम पर 35 लाख रुपए की धोखाधड़ी किया गया। प्रकरण में फरार आरोपियों की तलाश जारी। आरोपी संतोष देवांगन से 2 लाख रुपए, रामलाल के आधार कार्ड, गोरेलाल के आधार कार्ड, हीरो स्कूटी एवं नितेश वीरानी से 5,000 रुपए, योगेश यादव से 5,000 रुपए तथा गोरेलाल तेंदुलकर से 1,300 रुपए एवं आधार कार्ड जब्त किया गया। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा थाना चापा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वर्ष 2021 में संतोष देवांगन, नितेश वीरानी एवं चापा के एक अन्य व्यक्ति रामलाल थवाइत को लेकर इनके घर आए और दारू भट्टी के पीछे स्थित खसरा नंबर 255/2 रकबा 0.32 एकड़ जमीन को बिक्री करने 1.10 लाख रुपये प्रति ढिसमिल के हिसाब से कुल कीमत 35 लाख रुपये में सौदा किया। प्रार्थी 2 लाख रुपये नगद रकम संतोष देवांगन एवं अन्य 2 स्टाम्प में लिखा पढ़ी कर दिया था। उसके बाद उसे स्टाम्प को पीछे लिखकर कई बार आरोपियों को रकम दिए, जिसमें रामलाल का फर्जी हस्ताक्षर करवाए हैं। प्रार्थी द्वारा आरोपियों को जमीन खरीदी की पूरी रकम 35 लाख रुपए दिया गया है। संतोष दिवांगर, नितेश वीरानी एवं अन्य द्वारा दिनांक 12/3/2021 को संजय सिंह व रामसाई यादव के समक्ष पावर ऑफ अटर्नी प्रार्थी के पुत्र के नाम पर मुक्तियाननामा लिख दिया गया तथा दिनांक 14/7/2021 को 8.5 डिसमिल व दिनांक 30/3/2021 को 23.5 डिसमिल जमीन का रजिस्ट्री कराए। दिनांक 14/7/2021 को रजिस्ट्री जमीन 8.5 डिसमिल को प्रमाणीकरण कराकर नया ऋण पुस्तिका बनवाया। दिनांक 30/3/2021 को 23.5 डिसमिल जमीन की रजिस्ट्री के बाद भूमि का स्वामी रामलाल थवाइत का पुत्र बबलू थवाइत बताया गया। खसरा नंबर 255/2 रकबा 0.32 एकड़ जमीन उसके पिताजी के नाम पर है, जिसका मूल ऋण पुस्तिका उनके पास होना बताया गया। तब रामलाल थवाइत रानी रोड कोरबा जाकर पता किया गया तो पता नहीं चला। प्रार्थी का पुत्र शिवेंद्र पामगढ़ डोंगा कहरौद में रोड निर्माण कार्य में ठेकेदारी कर रहे थे। जो फर्जी रामलाल के फोटो को देखने पर उसकी पहचान गोरेलाल तेंदुलकर निवासी जोरेला भिलौनी पामगढ़ का रहने वाला बताया। गोरेलाल तेंदुलकर के घर जाकर पूछने पर उसके द्वारा बताया गया कि संतोष दिवांगन, नितेश वीरानी एवं अन्य लोगों के द्वारा रामलाल का फर्जी कागजात बनवाकर बैंक खाता खुलवाना, जिसमें उसका हस्ताक्षर करवाना व 40,000 रुपये देना बताया गया। संतोष देवांगन व नितेश वीरानी द्वारा षड्यंत्र पूर्वक छल कपट से बीमार व्यक्ति रामलाल के नाम पर, अन्य व्यक्ति गोरेलाल तेंदुलकर के नाम पर फर्जी तरीके से ऋण पुस्तिका, आधार कार्ड, पैन कार्ड बनवाकर खाता खुलवाकर खसरा नंबर 255/2 रकबा 0.32 एकड़ जमीन को बिक्री हेतु मुक्तियाननामा देकर 35 लाख रुपये रकम धोखाधड़ी कर ठगी किया गया।